अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं सारी शर्मिंदगी सहन करने के लिए तैयार हूं। आज के बाद आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, वो भी बिना किसी सवाल के। मारुके, आपने हर बार अपनी कई बात पूरी की, अब मेरी बारी है। लड्डू, सॉरी दी, पर ये मां और मेरे बीच की बात है। फेद में तेरा पूरा कभी नहीं जाऊं। जानता हूं मां, मैं विधि से शादी करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो फिर मैं इस जबरदस्ती की शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। भारती, तुम क्या कर रही हो? शादी छोड़कर क्यों जा रही हो? क्योंकि ये शादी नहीं, मेरे भाई की खुशियों का अंतिम संस्कार है। आप क्यों रुक गए? आइए ना। मैं शादी का हिस्सा बनूंगा, मैं माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कमाल का जीवन साथी चुना है माँ ने मेरे लिए, जो मेरा किसी भी बात में साथ नहीं देता। मैं उसी बात का साथ दूंगा जो बात सही है। सारी मेहनत बेकार हो गई, इतो करके भी ये लंगड़ी बंदरिया ही देवरानी बन रही है। पर ये जाने को नहीं कि जिस घर को स्वर्ग समझकर ये आ रही है ना, उसी घर को इसके लिए नरक ना बना दियो ना, तुम्हारो नाम भी इमरती कोठारी को नहीं। दुल्हन तो भाग गई थी, ये वापस आ गई। देख नहीं रही हो, ये दुल्हन नहीं, दुल्हन की बड़ी बहन है, डेढ़ पैर वाली। आओ बेटा। वर कन्या का गठबंधन कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः।
अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। जजमान आप लोग खड़े हो जाएं। आप दोनों वरमाला लीजिए। ओम विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा वधू को वर का हाथ पकड़कर फेरे लेने होंगे। कन्या आगे आएं और फिर शुरू करें। मैंने कर दिखाया बाबा जी, विधि की शादी वेद से कर ही थी मैंने। ये तेज हमेशा बनाए रखना बेटी। मुझे तो ऐसे लगता था कि शायद उन्होंने तुम्हारी जैसी लड़कियां बनाना बंद ही कर दिया है। तुमने अपने हाथों से बनाया है ना बेटा, तुम ही पहना दो। आपको तो वेद जी के लिए कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है ना। पर तुमसे अच्छी नहीं मिल सकती। मेरी बेटी वेद से शादी करने के हाँ कह दो। एक माँ तुम्हारे आगे झोली फैला कर भीख मांग रही है अपने बेटे के लिए। विधि, इस फेरे के साथ मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी सारी खुशी सारे सपने बर्बाद करूंगी। मेरा दूसरा वादा, जो दुख मैंने तुम्हारी वजह से उठाया है, उसका 100 गुना ज्यादा दुख तुम अपने आने वाले दिनों में उठाओगी। बहुत तड़पी हूं मैं तुम्हारी वजह से, अब तड़प के टूटने की बारी तुम्हारी है। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। ये मंगलसूत्र ही तुम्हारे जीवन में फांसी का फंदा साबित होगा विधि। अब
आप कन्या की मांग में सिंदूर भरें। स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्वरवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्चो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यता। विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। जाइए और बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सदा खुश रहो, हमेशा दोनों साथ रहो। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। तारा ये उपकार मैं जिंदगी भर भूलू कोनी। तारे जीवन में खुशियों की कभी कमी ना हो, ये मारा तारे लिए आशीर्वाद। जब घर से निकली थी तो सोचा ही नहीं था कि कभी वापस लौट के नहीं आऊंगी। मां, जो मैं चाहती थी वो हो गया गुरुजी। किसी को पता नहीं चला कि अब तक जो भी हुआ उसमें कुछ भी इत्तफाक नहीं था। ना मेरा मंदिर में विधि से मिलना अचानक हुआ था, ना मेरा विधि के घर आना कोई गलती थी। अरे तुम, ये तुम्हारा घर है? बस पायल गलती से बीच में आ गई थी, पर उसे भी मैंने रास्ते से हटा दिया इमरती का फायदा उठाकर। अब माजी सा, हाँ माजी सा, था को बुरा ना लागे तो एक बात पूछो। पूछ। देखो पायल चौकी लाके खुश हो अब रिश्ते से? क्या कह सकते, उस लड़की के सपने ही कुछ अलग है। हाँ। हीरोइन बनना चाहती है। वीट्यूब पर उसने कई वीडियो भी डाल रखे है। हीरोइन बनने के चक्कर में कहीं वो घर बार ना छोड़ दे। क्या कर सकती हूँ, वेद की जिद के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं उसके दिमाग में चाल पे चाल डालती गई, उसे पता ही नहीं चला। बस मैं दाना डालती रही और वो चूकती रही। बाकी थे सियाने हो। रुकावटें आई, गलतियां भी हुई, पर जो मैं चाहती थी वो करने में कामयाब हो गई। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। तुम्हारी विदाई अपने परिवार से ही नहीं, अपनी खुशियों से भी हो रही है विधि। तुम्हारा स्वागत ससुराल में नहीं, नर्क में होगा। Thank you.
प्रतिभा जी, थारे से कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। थारा ये उपकार मैं जिंदगी भर ना भूलूं समदन जी। उस पायल ने तुम्हारी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी, लेकिन विधि को अपनी बहू बनाकर आपने मारी लाज रख ली। नहीं नहीं समदन जी, मैंने तो अपना वादा पूरा किया है। एक और बात इतने दिनों से आपसे पूछना चाह रही थी, वो लिफाफा जो मारे को मिला था आपका, उसमें आपने जमीन विधि के नाम क्यों कर दिया? तब तो विधि आपकी बहू भी ना थी। सूरजमुखी जी, जब वेद के कहने से वेद और विधि का रिश्ता तोड़ना पड़ा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। अपने आप को अपराधी महसूस कर रही थी मैं, इसीलिए पुरानी जमीन विधि के नाम कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, पर विधि का विधान श्रीनाथ जी की कृपा से विधि खुद ब खुद हमारे खानदान से जुड़ गई। सही कह रहे हो, जरूर पिछले जन्म का कोई नाता है आप दोनों का। वो तो है। अब आज्ञा दीजिए, मारी बेटी अब आपकी हुई। सूरजमुखी जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पिछले जन्म का नहीं, इसी जन्म का नाता है मेरा विधि से। ये प्रॉपर्टी के कागज मेरा एक ऐसा वार है जो विधि को उस कीचड़ में ढकेलेगा जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। आओ हाथ जोड़ो विधि। अरे भाई, हमने तो सुना है दुल्हन ब्याह के पहले भाग गई थी इनकी। अरे अगर लड़की भाग गई थी तो शादी किससे हुई, कौन है ये? क्या पता इज्जत बचाने के खातिर कर दिया होगा किसी से ब्याह। बड़े लोगों की बड़ी बातें, कुछ तो हुआ होगा इसीलिए लड़की मंडप में आने से पहले भाग गई। कुछ तो कमी होगी वो लड़के में। वेद चलो। वेद 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 भाई सब क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो वेद, वेद छोड़ दे, छोड़ दे वेद, छोड़ दो देवता, छोड़ दे वेद देवता। किस किस को चुप कराओगे हाँ? बोलने वाले चुप हो गए कौन ही? कहो तो मैंने कि छोटे परिवार में ब्याह करूंगा, पर मारी किसी ने नहीं सुनी। अब देखो कैसे कीचड़ उछल रहा है हमारे परिवार पे। और तू कई बोल रहा है तू कि घर में कुछ हुआ होगा? ना जी ना, हमारे परिवार में कुछ नहीं हुआ। मेरे परिवार की कोई गलती कोनी, छोरी को हीरोइन बनने का चस्का चराया था और वो हीरोइन बनने के लिए भाग गई। अब क्या करें बोल? पोस्टर बनवा के चिपका दे हर जगह या टीवी पे न्यूज चलवा दे ताकि तुझ जैसे लोग बार बार हमारे परिवार में उंगली ना उठा सके। हिम्मती, क्यों तमाशा कर रही हो? बस करो। अच्छा, काई पूछना है थारे को? हाँ, काई पूछ रही है? जो लड़की कौन है? तो सुनो, ये लड़की दुल्हन की बहन है। अब ते पूछोगे कि ये दुल्हन के जोड़े में कई कर रही है? तो सुनो, एक बहन की मलाई दूसरे बहन के हाथ लग गई। अब ते बोलोगे बिल्ली के भाग से छीका टूटा? तो हाँ, यही हुआ है, वरना इस लंगड़ी बंदरिया को मारे देवरसा जैसा
राजकुमार मिलता कौन है? मरती, जितना इन लोगों ने नहीं सुना है ना, उससे ज्यादा तुम सुना चुकी हो। मैं कहीं ज्यादा बोल रही हूँ माजी साहब, ये मने कहीं चुप कर आ रहे हो? माजी साहब ये सोचो कि नाथद्वारा के 40,000 लोगों को कैसे चुप कराओगे, बाकी थे सयाने हो। सुन लिया सब कुछ, अब जाओ। हाँ हाँ जाइए ना, जितना तमाशा बनना था बन गया ना, जाइए अब जाइए। मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। छोड़ मैंने दिव्या। सुनो ना, आज तो बड़ा ही तमाशा बना दिया आपने, आगे कुछ और भी करने वाली हो क्या? बताओ ना। सब अट्ठाई बता दूं तुझे, बात के लिए कुछ ना छोड़ू। जो होना था सो हो गया, अब भीतर चलो, गृह प्रवेश की रस्म भी पूरी करनी है। हाँ